वेलकम टू आवर न्यू चैनल टेक हाफ। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हम किस तरह से बना सकते हैं इन ऐप बिलिंग अपने ऐप के अंदर, किस तरह से उसको लगा सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट हमने एंड किया था यहाँ पर कि हमने जो भी इनिशियलाइजेशन थी पूरी यहाँ पर कर ली थी। अब हमने इस पार्ट में सिंपल अपने प्ले कंसोल में जो भी आईडीज बनानी है उसको यहाँ पर ऐड करना है और अपनी ऐप को थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, और उसके बाद ये वीडियो इंशाल्लाह यहाँ पर हमारे काम है वो कम्प्लीट हो जाएगा। और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे हमने इसको अगर प्ले स्टोर पर पब्लिश करना है तो वो किस तरह से करना है। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा। यहाँ पर हमारे चैनल को दूसरी वीडियोस को भी आपने लाजमी से विजिट कर लेना है। इसके कोड के लिए टेक हाफ ऑफिशियल का आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप गूगल पर सर्च करके यहाँ पर आकर इसको भी सर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में ये सारा कंप्लीट कर लिया था, हमने यहाँ पर लाइसेंस भी ऐड कर दिया था, अपना लाइसेंस ऐड कर दिया था। उसके बाद अब चलते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। सिंपल आपने आ जाना है इनबॉक्स में, डैशबोर्ड पर आ जाना है अपने। यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के आपके अंदर आपको इन ऐप परचेजेस का ऑप्शन प्रोडक्ट का मिल जाएगा। अगर आपके पास ये ओपन ना हो रहा हो तो आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इंटरनल टेस्टिंग को भी सबसे पहले तो अनेबल करूँगा, टेस्टिंग में आऊँगा और यहाँ पर इंटरनल टेस्टिंग का आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्योंकि हम इसको टेस्ट करेंगे बगैर प्ले स्टोर पर अपलोड किए हुए। तो सेलेक्ट टेस्टर के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपने टेस्टर ऐड्स करने देने हैं जो कि आपको आपने अपना लिंक ऐड कर देना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट, और यहाँ पर जो भी जिस भी जीमेल से आपका इस वक्त मोबाइल के अंदर लॉगिन है, जो भी जीमेल जो प्ले स्टोर पर लॉगिन है, तो सिर्फ आपके जीमेल पर ये ऐप शो होगी। आप इसको बगैर प्ले स्टोर पर अपलोड किए हुए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ अपना जीमेल जो मेरा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने एंटर प्रेस कर देना तो ये ऐड हो जाएगा, और सेव चेंजेस के बटन पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं एक बार टेस्ट देख लूँ कि हाँ कंफर्म मेरा ही है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल ये ऐड हो गया, यहाँ पर आपने सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर देना है, हमारे टेस्टर रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर है क्रिएट अ न्यू रिलीज़, यहाँ पर आपने ऑप्शन पे क्लिक कर देना है रिन्यू रिलीज़ के बटन पर। यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि अपलोड करें एक बंडल। उससे पहले हम क्या करते हैं अपनी ऐप के अंदर लगा ही लेते हैं, फिर हम इसको चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर इन ऐप प्रोडक्ट, यहाँ पर अपलोड अ न्यू APK का कह रहा है, तो यहाँ पर हम पहले APK अपलोड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या करना है। यहाँ पर मैं APK बना रहा हूँ, जैसे APK बिल्ड हो जाएगी तो हम इसको अपलोड कर देंगे। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं इसलिए फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और जो मेन स्टेप बताने वाला है वो मैं आपको सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ। जैसे मेरी APK बन जाएगी तो इसको अपलोड करते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर मेरी APK सक्सेसफुली बन चुकी है, यहाँ पर मैं इसको लोकेट करता हूँ। लोकेट करने के बाद यहाँ से हम इसको कर देंगे अपलोड, और यहाँ से मैं अपना ओपन करता हूँ अपलोड न्यू APK। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फ़ा ट्रैक है, तो यहाँ पर क्रिएट ट्रैक के बटन पे क्लिक कर देना है। इसका नाम हमने रख देना है टेस्ट, या हम इसका नाम डोनेट रख देंगे क्योंकि मैं डोनेट के लिए स्क्रीन बना रहा हूँ। आप जिस भी अगर आपको सब्सक्रिप्शन के लिए चाहिए तो आप वो भी इसी तरह क्रिएट कर सकते हैं, बस उसकी जगह मैं आपको एक कोड बता दूंगा, वो थोड़ा सा करना पड़ेगा। अगर आपको उसके लिए पूरा वो चाहिए कोड तो वो भी मैं आपको उसकी भी वीडियो बनाकर दे सकता हूँ। तो यहाँ पर कंट्री रीजन का कह रहे हैं, आपने ऐड कंट्री के बटन पर क्लिक कर देना है फिलहाल, और यहाँ पर कंट्री रीजन आल पे क्लिक करके ऐड कंट्रीज पे क्लिक करके ऐड कर देना है। टेस्टर का कह रहा है मुझे, तो टेस्टर में हमने जो हमने पहले से टेस्ट बनाया हुआ है इसी को हमने सेव कर देना है। उसके बाद हमें कह रहे न्यू रिलीज़, इसके ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या कहता है कि अपलोड ऐप बंडल, तो हमें APK नहीं ऐप बंडल ही अपलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ऐप बंडल चाहिए इसका, तो हम ऐप बंडल बनाएंगे। फ्रेंड्स, प्ले स्टोर पर अपलोड करने से पहले मैं आपको अभी अपनी ऐप टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारी इस वक्त ऐप वर्क कर रही है, तो फिर हम नेक्स्ट चलेंगे कि इसको जब हम ऐड कर देंगे प्ले स्टोर पर तो उसकी किस तरह से एक्टिविटीज़ शो होंगी। तो आपने जिस तरह से मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम करते जाना है, तो आपकी ऐप भी 100% यहाँ पर ये वर्क करेगा और भी बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लेती है अभी, फिर वीडियो को पॉज कर लेते हैं। फ्रेंड, ये बिल्ड हो चुकी है और यहाँ पर देख सकते हैं कि इंस्टॉल हो रही है हमारे फ़ोन में। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारी ओपन हो चुकी है। ये योगा होम के नाम से एप्लीकेशन थी, और सबसे पहले मैंने किस तरह से किया हुआ कि नीचे एक डोनेट का ऑप्शन लगाया हुआ है। जैसे ही मैं डोनेट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपली जो हमने स्क्रीन बनाई हुई थी वो डोनेट की आ रही है, और एरर बिलिंग का आपको ऑप्शन आया है, टोस्ट आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर जो मेथड्स हैं वो कॉल नहीं किए हुए। जो हमारे प्ले लाइसेंस तो ऐड है हमारा प्ले स्टोर के अंदर, लेकिन वो प्ले स्टोर के अंदर मेथड बने ही नहीं हुए जो हम कॉल कर रहे हैं, तो हम बनाएंगे। सिंपल इस तरह से ये ऐप आ रही है, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी लिस्ट व्यू नहीं आ रहा क्योंकि कोई भी डाटा उसको यहाँ से गेट नहीं हो रहा। तो अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ कि इसका हमने प्ले स्टोर पर अपलोड करनी थी साइंड APK, तो वो मैं बना लेता हूँ और वो अपलोड करते हैं फिर।
हमारा बंडल यहाँ पर बन चुका है, इसको हमने अपलोड करना है। अब यहाँ पर इसका लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्टली प्ले स्टोर को ये लिंक प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा आप ड्रैगन ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये एंटर कर दिया और यहाँ पर ऐप रिलीज इसको अपलोड कर देंगे। इसका नाम हमें पता है कि योगा होम हमने रखना है, तो वो रख लेते हैं। और योगा होम इज़ अ योगा ऐप, यही लिख देते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये मैंने नेम लिख दिया, इसका भी अपलोड हो जाएगी। तो फिर ये अपलोड हो चुकी है हमारे पास। यहाँ पर आपने रिव्यू रिलीज़ के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे मैं रिव्यू रिलीज़ के बटन पे क्लिक करता हूँ, ये एरर शो कर रहा है कि यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर जाएँ। तो हमने क्योंकि प्ले स्टोर पर तो अपलोड करनी नहीं है, तो हमने इसको कुछ नहीं करना। सिंपल अब हम यहाँ पर आ जाएंगे इंटरनल टेस्टिंग के ऑप्शन पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो रोल आउट रिव्यू एंड रोल आउट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर कहेगा कि नो ऐप बंडल, तो आपने यहाँ पर ये करना होगा कि रिलीज़ तो यही ठीक है, कंप्लीट डिक्लेरेशन एंड्रॉयड 13 API इंट्रोड्यूस। तो ये कह रहे हैं कि आपने डेवलपर आईडी को नहीं अंदर डाला हुआ, तो वो डालो। तो हमने यहाँ कर देना है कि यूज्ड एडवर्टाइजिंग आईडी, तो आपने फ़िलहाल इसको द इंक्लूडेड इम्पोर्ट, अगर तो आपने इम्पोर्ट की हुई है तो आपने येस कर देना। मैंने अभी तक इम्पोर्ट नहीं की, तो मैं इसको अभी नो ही रखता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी अभी ऑप्शन पर हमने क्लिक नहीं करना, क्योंकि हम सिर्फ इंटरनल टेस्टिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। तो रिव्यू एंड रोल आउट, अभी भी टू और एरर्स हैं। यू नीड टू अपलोड एन APK और एंड्रॉयड स्टूडियो बंडल, दिस रिलीज डू नॉट ऐड और रिमूव एनी ऐप बंडल। ठीक है, तो इंटरनल टेस्टिंग पे यहाँ पर ऐड रिलीज़ के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ से देख लेते हैं हम ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी, ये ऐप बंडल हमने ऐड कर दिया इसको। और रिव्यू रिलीज़ के बटन पर क्लिक कर दिया इसको, और देख सकते हैं अब यहाँ पर आ रहा है स्टार्ट रोल आउट टू इंटरनल रिलीज़। ठीक है, तो आपने इसको कर दिया यहाँ पर, तो ये हमारा सक्सेसफुली जो कि रिलीज़ इंटरनल टेस्टर को अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आपने सिंपली रिलीज़ पर आना था। और यहाँ पर अब ये क्रिएट न्यू रिलीज़ का कह रहे हैं, क्योंकि हम जैसे अपलोड करेंगे न्यू APK तो वो क्रिएट न्यू रिलीज़ में जाएंगी। अब ये हमें अवेलेबल हो जाएगी ऐप, तो ये अवेलेबल हमें कहाँ होगी, तो सिंपल आपने आ जाना है यहाँ से टेस्टर पर। टेस्टर पर आने के बाद यहाँ से आप कॉपी लिंक करेंगे, तो जो भी ईमेल आपने यहाँ पर ऐड किया होगा उनके लिए अवेलेबल हो जाएगी। ये हमारा काम डन हो गया। अब हम चलते हैं इन ऐप परचेजेस के प्रोडक्ट ऐड करते हैं। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट बना लेनी है, तो इस प्रोडक्ट का नाम जो मैं रखने वाला हूँ, इसकी आईडी जो होगी वो यही होगी डोनेट। डोनेट रखने के बाद सिंपल, और यहाँ पर पूछ रहे हैं इसका नेम क्या है प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर मैं आपको योगा होम भी लिख लेते हैं, जो भी ऐप का नेम है आपकी डिस्क्रिप्शन में भी यही लिख दूंगा मैं। और प्राइसिंग टेम्पलेट का कह रहा है, तो सेट प्राइस पे आपने क्लिक कर देना है। सिंपल इसकी जो प्राइस हम रखने वाले हैं USD में आ रहा है, तो 1 USD होगी इस वक्त। ठीक है, और अपने हिसाब से सारी कंट्रीज़ के रेट सेलेक्ट कर लेगा, और अप्लाई प्रोसेस के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर सिंपल अब आपने क्या कर देना है, सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। जो आपकी प्रोडक्ट है वो क्रिएट हो चुकी है। मैं दोबारा से इनएक्टिव आ रहा है, तो आपने यहाँ से एक्टिव भी लाजमी से कर लेना, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये एक्टिव हुई या नहीं हुई। तो एक्टिव हो चुकी है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव है। ठीक है, तो एक्टिव है अब यहाँ पर, ये प्रोडक्ट बन चुकी है, ये प्रोडक्ट की आईडी बन चुकी है हमारे पास। और ये फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसका नाम है डोनेट, और इसकी प्राइस है $1। प्रोडक्ट आईडी है इसकी डोनेट। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट आईडी है इसको मैं दोबारा से चेंज करता हूँ, अगर तो ये हो जाती है चेंज, इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि मैंने रखना है डोनेट 1 डोनेट 2, ताकि हमें पता हो कि $1 वाली कौन सी आईडी है। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ डोनेट 1। इसके अलावा यहाँ से आप ऐप के अंदर भी देख सकते हैं कि मैंने कुछ इसी तरह से इसको ऐड किया हुआ था, डोनेट $1 $1 $2। आप ये वाली रखना चाहिए, ये भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी। और इसका नाम योगा होम ये रखती है मैंने। प्राइस इसकी है 1 USD, और यहाँ पर अप्लाई कर दिया मैंने। और मुझे आ रहा है कि फ्रेंड्स, अगर मैं इसको भी डोनेट $1 लिख दूँ, ठीक है, और यहाँ पर आपने सेव के बटन पे क्लिक कर दिया,
और एक्टिवेट के बटन पे भी आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे मैंने एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर दिया, ये हमारी प्रोडक्ट एक्टिव हो चुकी है। अब ये डोनेट $1 हमारी ऐप के अंदर कनेक्ट है। अब हम इसको देखते हैं क्या ये शो भी हो रहा है ऐप के अंदर या नहीं हो रहा।